हेलो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है फोर एक्स इज ग्रे एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई आई टू ये इन इक्वेशन दे इक्वेशन दे रखा है आपको लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस टेन प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स टू द बेस टेन इक्वल टू माइनस वन एंड लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टू द बेस्ट टेन इक्वल टू हाफ ऑफ दिस देन द वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू एन का वैल्यू फाइंड करना है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो गया लॉग ऑफ एम प्लस एन का फार्मूला तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टू द बेस्ट टेन माइनस वन इसका मीनिंग क्या हुआ कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू टेन टू द पावर माइनस वन दैट मीन्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू वन बाई टेन ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और सेकेंड जो दे रखा है आपको ये दे रखा है लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टू बेस टेन इक्वल टू हाफ ऑफ लॉग एन टू द बेस टेन माइनस वन तो इस सबसे पहले टू को यहाँ लेके आ जाइए तो टू लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस वन ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ टेन लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टू बेस टेन इसका होल स्क्वायर और ये माइनस कर लेते हैं लॉग ऑफ एन टू बेस टेन इक्वल टू माइनस वन तो लॉग एम बाय एन हो गया लॉग एम बाय एन सो इंप्लाइज, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर कर स्क्वायर अपॉन एन अपॉन लॉग एम बाई एन इक्वल टू माइनस वन यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन इक्वल टू टेन टू द पावर माइनस वन टेन टू द पावर माइनस वन और ये अगेन वन बाय टेन अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं अब एन का वैल्यू आपको फाइंड करना है so this equal to साइन square x plus cos square x plus 2 साइन x cos x upon upon n ये होल स्क्वायर नहीं है ये होल स्क्वायर केवल ऊपर में था अपॉन एन इक्वल टू वन बाय टेन तो ये हो गया वन प्लस टू इंटू साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स का वैल्यू दे रखिए तो ये हो गया वन बाई टेन अपॉन एन इक्वल टू वन बाई टेन सो एन इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए एन इक्वल टू टेन प्लस टू इंटू वन बाई टेन इंटू टेन सो टेन प्लस टू दैट मीन्स टू एल्व सो एन का वैल्यू कितना हो गया टू सो सेकेंड ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन Okay, thank you.